हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी वापस से स्वागत है आप सभी का नूब गेम्स में तो आज का मैच माल एफ़सी सी वर्सेस पेरिस जॉर्मान मै पापे मैसी क्या लाइनअप है भाई साहब क्या लाइनअप है तो उनके सामने अपनी माल एफ़सी सी जिसमें डीए कॉस्टार आर्मस्ट्रॉन्ग अपना फॉरवर्ड संभालेंगे स्टर्लिंग और चीसा अपना विंग संभालेंगे तो ग्रुप मैच है हमारा ये देखिए क्या ही लाइनअप है विडिनिया वराटी हकीमी रेमोस मतलब भाई साहब ऐसे लाइनअप के आगे तो मेरे को लग रहा है मालफ से बहुत बुरा हारेगी ओ माय गॉड आर्मस्ट्रांग ने पहला अटैकल जीता स्टर्लिंग को पास स्टर्लिंग ने थ्रू पास खिलाने की कोशिश की बट अशरफ हकीमी अशरफ हकीमी करे डिएगो कॉस्टा आ कितना अच्छा हेडर मैप वेराती वेराती से पास दिया मैं स्टर्लिंग ने निकाला स्टर्लिंग ने अच्छा निकाला नेमार को पास नहीं मिलने दिया कीपर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता हुआ रेमोस रेमोस से हकीमी हकीमी बॉल आगे लेके बढ़ते हुए मैसी मैच के तेरहवें मिनट में पहला टच मिला है मैसी को और ज़्यादा दिन मैसी बॉल होल्ड नहीं कर पाए हम्म hmm. ये तो भाई मेरे हाथ लग ही नहीं, नहीं दे रहे हैं बॉल मुझे लग ही नहीं रहा है कि बॉल पजेशन मेरे पास में फोर्टी वन परसेंट रहा है स्टार्टिंग के सोलह मिनट में मेरे पास में फोर्टी वन परसेंट टाइम्स बॉल आई है जो स्टार्टिंग में मैंने मतलब स्टार्ट किया था वहीं बॉल आई थी मतलब बॉल ही नहीं आ पा रही है मेरे पास में विटी बॉल आगे लेके बढ़ते हुए विट ने वैराटी को खिलाया वैराटी ने मैसी तो दियोनॉल मैसी आ मेसी 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 अशरफ हकीमी अशरफ हकीम ने अच्छा पास दिया नेमार 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 ने अटैम्प्ट लिया भाई पहले चौबीस मिनट सिर्फ पहले चौबीस मिनट में पीएसजी एक शॉट ऑन टारगेट वो भी नेमार का लेफ्ट पुट फुटेड शॉट ये भगवान मेसी लेते हुए कॉर्नर किक और गोल मार्किनस जो कि ब्राजील के लिए खेलते हैं सेंट्रल मिड में पहले 25 मिनट में मैसी के कॉर्नर किक से आ चुकी है गोल तो मैसी का मैजिक काम करता हो और ये क्या मौका है मौका है भाई मौका है मौका है और ये इक्वलाइजर आर्म क्या कहेंगे आप आर्म क्या कहेंगे रेमोस की थोड़ी सी गोल कीपर और रेमोस के बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई और होते ही आर्मस्ट्रॉन्ग को गोल मारने का मौका मिला और आर्मस्ट्रग मौका भुनाना जानते हैं सर जानते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं मतलब गेम मैं तो हारने का सोच के चल रहा था भाई मैं मुझे लग रहा है कि मैं जैसे तैसे शायद पी से टाई खेल जाऊं तो मैं, मतलब अरे नहीं एक और अटैक बनाते हुए पी पीएसजी के सामने एक और अटैक बनाते हुए माल एफसी सी के ऊपर से भाई थ्रू पास कोस्टा कोस्टा के पास में बॉल और दिए गए मुझे लग रहा है जिस तरीके से माल एफसी के अंदर उस गोल के बाद से एक नई एनर्जी आई है तो शायद ये पॉसिबल है कि माल एफ मैच जीत तो मतलब ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ मैं खैर छोड़िए एम के पास बो बचाया बचाया वहां पे एम पापे एम पापे स्टर्लिंग 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 ने निकाला डिएगो कोस्टा को वेराटी वेराटी ने मेसी मेसी हाँ मेसी अच्छा आज कुछ ज्यादा अच्छा खेल दिखा नहीं पाए हैं मेसी बॉल पोजेशन मात्र थर्टी फोर परसेंट क्या होगा बना ही मुश्किल मैच शॉट ऑन टारगेट देखिए दो है पीएसजी के एक है माल का पास कंप्लीशन भी नहीं है तो बड़ा ही मुश्किल मैच होने वाला है ये मैच माल एफसी के लिए जुद्याला, जुद्याला ने पास खिलाया चीसा चीसा को तेज भागते हुए बट नहीं ये गलती वापस कर रही है कीपर ने आ स्टर्लिंग के पास बॉल अरे नहीं यार हकीमी हकीमी ने मैसी को पास दिया मैसी बॉल लेके आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए मैसी मैसी के ऊपर फाउल करार दिया गया ये जो टैकल था ये खराब टैकल करार दिया गया मैसी अटैम्प्ट लेते हुए सीधा हाँ मेलाइजर ने मेलाइजर ने रोका कुछ अच्छी गोल कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए मेलाइजर भी यदि जीतना है तो आर्म स्ट्रॉन्ग को ये गोल और करना होगा नेमार के ऊपर फाउल और नेमार सब्सटीट्यूट किए जाते हुए नेमार का सब्सटीट्यूशन टनियो आते हुए डेनेलियो पेरीरा टेनेलियो पेरिया आते हुए सब्सटीट्यूट हो चुके हैं तो मुझे अब मेरे चांसेस लग रहे हैं अब हम पापे और मैसी भी यदि सब्सटीट्यूट हो जाते हैं बेसी बेसी ने क्या डिफेंस की स्किल दिखाई है आज बेसी का सामना था द लियोनल मैसी के साथ में और आप देखिए बेसी ने क्या गेम दिखाया हकीमी अपना प्रदर्शन वर्ल्ड कप का जो था वो अच्छा प्रदर्शन बरकरार रखते हुए पापे हम पापे ने पापे पापे बाबा बापे आह अच्छा अच्छा काउं कॉर्नर पर वही खतरनाक कॉर्नर लियोनल मेस्सी सब्सटिट्यूट होते हुए लियोनल मेस्सी का सब्सटिट्यूशन आते हुए पाब्लो सरेबिया तो लेफ्ट फुटेड कॉर्नर किक पाब्लो सरेबिया ने अच्छी क्लियरेंस अच्छी क्लियरेंस आती हुई सेंसी के हेडर से सेंसी बॉल लेके भी आगे बढ़ते हुए आर्मस्ट्रांग को एक लॉन्ग बॉल खिलाने की कोशिश थी बट नहीं मार्किनस मार्कनोस से सरेबिया 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 आगे लेके बढ़ते हुए सरेबिया के पास में विकल्प है हकीमी पर आज आप क्या क्या ही तारीफ करेंगे मालव सी के डिफेंस की मिडफील्ड की ग्रेनों की क्या ही तारीफ करें बॉल आगे बढ़ते हुए डिओ कोस्टा के पास बॉल और आर्मस्ट्रांग के पास एक बार फिर से बॉल आर्मस्ट्रांग अटैम्प्ट लेते हुए यदि आर्मस्ट्रांग थोड़ी स्किल दिखाते तो शायद ये एक और गोल हो सकता था मैच आगे चलते हुए सरेविया सरेविया बॉल को अंदर नहीं रख पाए और क्या अब एम्पापे का भी सब्सटीट्यूशन होगा मुझे लगता हुआ सब्सटीट्यूशन ऑन कार्ड जी हाँ आयमान कारी आते हुए आयमान कारी के आने से काफ़ी साहत की सांस ली होगी माना वो फ्रेश लेग्स है बट वो स्किल्स कुडीरो कुडीरो डीएगो कोस्टा के पास भी बॉल और डीएगो कोस्टा अटैम्प्ट ले सकते थे डीएगो कोस्टा अटैम्प्ट ले सकते थे वेराती 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 सरेबिया 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 लास्ट चार मिनट तीन मिनट बाकी एक सब्सटीट्यूशन आते हुए टेक्निकल बदलाव टोनी विला की जगह गुस्तावो आते हुए गुस्तावो जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है हकीमी भी बाहर जुआन बैरा जुआन बैराट उनकी जगह आते हुए अशरफ हकीमी भी बाहर आ चुके हैं पी के सारे जो ऑल बड़े स्टार्स हैं और ये देखिए फुल टाइम पे एक, एक से ड्रो पे रोक लिया है जैसे तैसे माल सी ने मिलते हैं हम आपसे हाई से मार्कनस ने क्या शानदार गोल दे रहा था पांच इंपॉर्टेंट चांसेस बने थे मैच में पहला चांस जो निमार ने एक अटैम्प्ट लिया था बहुत ही प्यारा लेफ्ट फुटेड अटैम्प्ट निमार का मैसी के पास पे आया था और इस गोल के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कोस रहे होंगे रेमोस अपने आप को आर्म ने कोई चांस नहीं लिया ये मैसी ने एक कोशिश की थी बट ये काफी नहीं कोशिश और ये गोल ये गोल तो मैं कह रहा हूँ सर आर्म थोड़ा सा स्किल दिखाते या नेट में ऊपर मारने की कोशिश करते तो गोल हो पाता थैंक यू लाइक वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल